आज हम पढ़ते हैं मात्रा। आज हम क्या पढ़ेंगे? मात्रा, जिन्हें बोलते हैं साइन ऑफ वोवेल। तो सबसे पहले मात्रा किसे कहते हैं? हम मात्रा की परिभाषा देखते हैं। तो अस्वर को छोड़कर सभी स्वरों के चिन्ह होते हैं। ओनली अ को छोड़कर बाकी सबके चिन्ह होते हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है, जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसका मात्रा रूप भी लिखा जाता है। तो मात्रा की डेफिनेशन, जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसका मात्रा रूप ही लिखा जाता है, उसे ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे अ, तो अ की क्या क्या, अ से हम क्या क्या बना सकते हैं? तो अ की मैंने आपको बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो पीछे ओनली फॉर ए की पाई है। तो जैसे जल, नम, कम, तल, ये सब क्या हो गया? अ के उदाहरण किसके हैं? अ के। अब हम आज देखते हैं आ की मात्रा है, किसकी है? आ की मात्रा के। तो आ की है जो एक मात्रा होती है, क्या होता है? आ की एक मात्रा होती है और इसे बोलते हैं आ की मात्रा। तो जैसे हमने लिखा था ज, तो अब हम आ की मात्रा से इसको बनाएंगे। तो मैंने लिखा ज, ये क्या है? व्यंजन है। और ये क्या है? स्वर है। तो ये एक स्वर की मात्रा है, तो मैंने ये मात्रा इसके अंदर ऐड की, फिर लिखा ल, ये बन गया जाल। पहले क्या लिखा था? जल, अब बन गया जाल। तो इसको ऐड करते ही इसका रूप भी परिवर्तन हो जाता है और इसके अंदर अब हम बोलेंगे कि इसके अंदर आ की मात्रा जुड़ गई है। वैसे क्या? वैसे न, आ की मात्रा प्लस म, नाम। अब इसको ही देखते हैं, क, आ की मात्रा म, काम। त, आ की मात्रा ल, ताल। तो हमने क्या किया? ओनली फॉर आ की मात्रा जोड़ी और ये आ की मात्रा वाले शब्द बन गए। जैसे हम लिखते हैं पापा, तो प, आ की मात्रा प, आ की मात्रा पापा। तो इस जैसे ही हम मात्रा जोड़ते हैं उसका रूप भी परिवर्तन हो जाता है और जो ये रूप आया है इसको ही हम मात्रा कहते हैं। तो हमने अ और आ की मात्रा तो पढ़ ली, अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, आ की मात्रा पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा होती है ये वाली और बड़ी ई की मात्रा होती है ये वाली। इधर तो एफ करना है और इधर उल्टा एफ करना है, ठीक है? अब हमने लिखा जैसे कि ई की मात्रा वाला उदाहरण लिखे, तो ई की मात्रा ऐसे लगती है, तो क के अंदर ई की मात्रा जोड़ी तो किला, द के ऊपर ई की मात्रा जोड़ी तो दिया, बिन में ई की मात्रा, द में ई की मात्रा जोड़ी तो दिन, स में ई की मात्रा जोड़ी तो सिल, जैसे खिल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको उच्चारण में कम समय लगता है। अब जैसे कि हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा, अब क्या देखते हैं आप? बड़ी ई की मात्रा। तो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, इसमें छोटी ई की मात्रा थी, अब हम लिखते हैं दिया। प्रोनंसिएशन में टाइम लगा, बोलते टाइम नहीं लगा ना। अब जैसे इसको लिखेंगे, अभी इसके अंदर छोटी ई की मात्रा थी, अब बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं दिन। इस दिन का मतलब होता है गरीब और इस दिन का मतलब होता है डे, दिन। अब जैसे सिल, तो इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा लगाई तो सील। अब जैसे फील, इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा लगाई तो फील, ठीक है? ये वर्ड ऐसे ही बनते हैं। पहले हम लोगों ने छोटी ई की मात्रा लगाई, फिर हम लोगों ने बड़ी ई की मात्रा लगाई। तो क्या करना है? ओनली फॉर व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा को जोड़ना है। अब ऐसे की ऐसे हम देखते हैं ऊ की मात्रा, किसकी देखते हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। तो सेम इसमें लागू होता है, जैसे इसकी जो मात्रा होती है उसे बोलने में कम समय लगता है और इसकी मात्रा को बोलने में ज्यादा समय, जैसे कि ऊ और हम बोलते हैं ऊ तो टाइम लगता है। जैसे मैंने लिखा गुड़िया, क्या लिखा मैंने? गुड़िया। अब सुना, स के ऊपर स को ऊ की मात्रा से जोड़ा तो सुना, ब को जोड़ा तो बुरा, ध को जोड़ा तो भूल, क को जोड़ा तो कुल। अब हम इसको बनाते हैं बड़ी ऊ की मात्रा से, तो बड़ी ऊ की मात्रा से हम इसको बनाते हैं। तो मैंने लिखा सुन, अब इसको लिखेंगे सुना, बुरा, धूल, कुल और भी
सकते हैं, जैसे फूल, बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब एक तो हु की मात्रा लिखते हैं हम व्यंजन के नीचे। अब एक और टाइप बताती हूँ कि हु की मात्रा और कहाँ कहाँ पर जोड़ते हैं, तो र। एक अकेला ऐसा व्यंजन है र जिसमें ऊ की मात्रा को यहाँ पर जोड़ा जाता है। कहाँ पर जोड़ा जाता है? यहाँ पर जोड़ा जाता है। बाकी सारे व्यंजन होते हैं उसके तो ऊ की मात्रा को नीचे जोड़ा जाता है, और र व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा को उसके पीछे लगाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं रुपया, तो रुपया, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी रुपया, तो ये गलत है, ये क्या है, रॉन्ग है, और ये वाला सही है। जैसे रुमाल, तो ये हो गया रुमाल। तो र के साथ उ की मात्रा उसके पीछे लगती है। अब इसकी आगे की मात्रा पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon for another updates. Thank you.